कर रहा है। अच्छा विवेक बता क्या खाएगा, तू बता तू क्या खाएगा। अरे तू बता तू क्या खाएगा, दिल खोल के बता, तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे टाको बेल खाने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा सबवे खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं खा लूंगा। ठीक है तो मैं भी खा लूंगा। तो आज की वीडियो है 5000 एट टाको बेल वर्सेस 5000 एट सबवे। लेगा ऑर्डर कर ले, चलो भाई मन से ही मंगाओ है। आओ आओ निकालो, जाओ मेरे आगे सबके सब। भाई मेरी शोल्डर एक्सरसाइज हो रही है, इसको पकड़ के रख रख रख, इधर 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 इधर। हाँ 1 2 3 भाई क्या क्या है भाई, काफी सारा खाना आ गया भाई मेरा। तेरा कितने पैकेट टोटल? 1 2 3 4 5 6 पैकेट। 1 2 3 4 5 मेरा भी 6, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा सामान ऑलरेडी है। पैकेट के अंदर भी पैकेट है, उसके अंदर भी पैकेट है भाई। So in total, we ordered 25 items from Subway and 30 items from Taco Bell. यार लेकिन इसकी पैकेजिंग मेरे को काफी सही लग रही है। ये ऐसी पैकेजिंग है जो आप दूर से पहचान सकते हो कि ये Subway का खाना, लेकिन ये जो है ये भाई ये पता क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर रहा है, इसमें पेपर्स रखे हैं। सही में पेपर साइन कर दूं क्या भाई? इंतजार नहीं किया जा रहा, अब हम खाना चालू करेंगे। भाई साहब क्या खाना चाहते हैं आप? है काम करते हैं, टिकटिकी चीजें पूछते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, टिकटिकी जी क्या खाना है आप हमारे जगह तो क्या खाते हैं? हम सबवे खाए, सबवे है, कुकी है, टाको है। अरे वो बोले बोले वो कह रहे हैं मीठा खाइए, मीठा चूरोस कुछ मीठा हो जाए। तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं चूरोस। चूरोस हम इसलिए खा रहे हैं कि मैं कुछ भी महान करता हूँ तो मैं मीठे से शुरुआत करता हूँ। बट चूरो मीठा होता है क्या? मुझे तो ये लगा कि वो कैसी बात है, पकौड़े टाइप होते हैं। पकौड़े टाइप ही होता है लेकिन मीठा पकौड़ा। मीठा पकौड़ा खा के देखें इसको। हाँ एक काम करते हैं, पास आएंगे। मुझे पता था ये होने ही वाला है, ये तो होना ही था। अजय बेहतर भी कैसा लग रहा है आपको? मजा मजा आ गया। ओके ये तो खा लिया, काफी सही था। आपको कुकी चाहिए? आप देंगे मुझे कुकी? हम देंगे आपको, दीजिए ना कुकी। पहली तो ये हमारी ओटमिल रेजिन, इसको तोड़ने में जो फील आती है ना, तोड़े। ओ हो लाइए दीजिए, आप छोटा वाला दीजिए भाई, हमने आपको बड़ा दिया था। चीयर्स भाई साहब। पूरा ओट्स वाला टेस्ट आ रहा है। जिम के बाद कभी कभी ना मुझे कार्ब्स चाहिए होता है ना, मैं ओट्स खा लेता हूँ। ठीक है ये वैसे ही टेस्ट कर रहा है, बस मीठा ज्यादा है। एक कॉफी हो चाय हो उसके साथ कुकी खाने का तो मजा ही आ जाएगा। और बस आपका साथ, आपका साथ हमारा विकास। इसी अबे यार अच्छा भाई ये पिलर खाते हैं। अच्छा पिलर खोलो यार। जो बरीटो होता है, बरीटो के अंदर चावल भी होता है और उसके अंदर सब्जियां होती हैं और उसके अंदर सॉसेज होते हैं। मेरा मुंह काफी ज्यादा खुलता है। खोलना ओ भाई, इतना खोलता है तू? मेरा मुंह बहुत खुलता है भाई साहब, कितना बड़ा खोलता है तू। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो मेन सामान जो है नीचे पड़ा हुआ है, हम इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं सामान को। मैं कह रहा हूँ इसको ऊपर से ना कैंची से काट ले। रिबन काट रहे हैं हम, एक सेकंड रुको। रिबन काट रहे हैं ये जो है ना। अरे तू असली असली फूड का टेस्ट बता। ये चलो ट्राई करें, आगे बता। लेट्स डू इट। हाँ इसमें और इसमें फर्क है क्या? है चावल नहीं है, चावल नहीं और ये ठंडा है। और ये ठंडा नहीं, सबवे में जो सब्जियां होती है वो और मेंटू भी ठंडा ना भाई। अब तू गरम सलाद तो खाएगा नहीं, अब तू लेटस पकाएगा नहीं। हाँ वैसे यार मैं खाने वाला हूँ चलूपा फहीदा वेजीज। भाई ये क्या है? मून नाइट। सेम है मून नाइट। अरे मून नाइट ही लग रहा है भाई इसका। ओके भाई इसका जो आउटर लेयर है ना मीठा है भाई थोड़ा सा। देख भाई मैं तो कभी टाको बेल में गया नहीं। नहीं मैं कभी टाको बेल गया ही नहीं। मैंने जिंदगी में 2 बार टाको खाया, वो भी डोमिनोज का। टाको बेल की एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, वो है भाई साहब इनकी कोल्ड ड्रिंक जो है ना, वो आप रिफिल करा सकते हो हैं। और जब मेरे को ये पता चला मैंने भाई मशीन पूरी चूस ली। तू मुझे क्या दे रहा है? मैं तेरे को चलूपा दे रहा हूँ। मैं तेरे को सीख दे रहा हूँ, कुछ सीख इससे। ये बात सीख है। सैलेड खाना बहुत ही आसान है। सैलेड सबको खाना चाहिए क्योंकि आपके शरीर में पानी की मात्रा को भी बनाए रखता है। इसके अंदर टमेटो है, लेटिस है, इसके अंदर सीख कबाब है, इसके अंदर ये है पिकल। ये है हमारा ग्रिल्ड चिकन चालूपा। इफ समबडीज फादर इज वेरी विटी, चालूपा। लेयरिंग देख रहा है क्या? नीचे मीट की लेयरिंग है, उसके ऊपर थोड़े से वेजीज है, उसके बाद टमाटर है, उसके ऊपर ये पूरा तेरा चीज। भाई वो पिए क्या भाई? हाँ कुछ पीते हैं यार, बहुत खा लिया। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है? वो क्यों? वो अपना देखो बे भाई। ये इंकी पिंकी पांकी विवेक हैड अ डोंकी। ये तो ना मुझे देख के ये प्रोटीन शेक मंगवाया इसने मेरे लिए। ये तो है बेटे, मैं बताता हूँ तेरे को क्या। रुक जा, ये मुझे लगता है ये चॉकलेट शेक है भाई। भाई मैं भी पीना चाहूंगा इस चॉकलेट शेक के ऊपर ऐसे वनीला का, इसके अंदर आइसक्रीम भी है मुझे लगता है। इधर भी दे दे भाई, तू खत्म कर रहा है, तूने खत्म कर दिया। ये एकदम मेरे शरीर जैसा है, ठीक। चलो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। दिस इज प्रोटीन मिल्क शेक। ये तो रख सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, प्रोटीन मिल्क शेक। हर रोज प्रोटीन पीने वाला आदमी अगर ऐसी शक्ल बनाए तो मान लीजिए दोस्तों ये बहुत खराब है। मतलब ये एक्चुअल में अच्छा है, इसका नाम ही रॉ है। नहीं, इसका नाम रॉ है। मैंने पी रखा है, ये मैंने पी रखा है, अच्छा है, लेकिन उसके बाद ना ये, हाँ देखा भाई, ऐसा कप सिर्फ पी रहा हूँ भाई। पी पी मजा आ जाएगा तेरे को। ये तो भाई हमसे ना हो पाएगा। अब हम खाने वाले हैं दोस्तों कैसेडिया। कैसेडिया क्या? कैसे दिया भाई साहब, ये लीजिए। कैसे दिया? डिलीवरी पार्टनर ने दिया। सो दिस इज अ वेज कैसेडिया। इसको चिकन कैसेडिया हमने दे दिया है। चिकन मटन जो भी है वो भगवान जाने। आप में से आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि इसके अंदर क्या होता है। आज हम राज खोल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है कैसेडिया भाई। कैसे कैसे दिया इसको, कैसे दिया समझ में नहीं आ रहा भाई। ये कुछ तो है, क्या है? मेक्सिकन खाना और इंडियन खाना काफी पास है भाई, काफी सिमिलर है। मेक्सिकन खाना, इंडियन खाना, क्योंकि एक तो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसी होता है इनका खाना। दूसरी चीज कल्चर भी काफी सिमिलर है कि जैसे हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना, जब बुढ़े भी हो जाए वो लोग भी ऐसा करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, फैमिली को साथ में लेके चलते हैं। ये क्या है? नेकेड चिकन टाको। दिस इज अ वेज स्पेशल चलूपा भाई। ये देखो, ये देखो, टाको में ये होती है सब्जियां। नेकेड चिकन का है लेकिन। अबे ये टाको का जो ये है यही चिकन है ब्रो। भाई मेरे को कौन समझा रहा है यार। मतलब एक वेजिटेरियन ने आके मुझे ये बात बताई, मुझे डूब के मर जाना चाहिए, बट लेकिन मर तो मर। और सुन बात को, चिकन अगर अंदर है तो उसने टॉर्टिला को पहना हुआ है, इसलिए द चिकन इज नॉट नेकेड। यहाँ पे बाहर ही चिकन है, दैट इज व्हाई चिकन इज नेकेड। लॉजिक 100%। नॉट बैड भाई, मुझे लग रहा है मेरा टॉर्टिला भी नेकेड हो रहा है। ये देख, इसके कपड़े उतर रहे हैं टॉर्टिला के। ओए ये क्या है भाई? टॉर्टिला। ओए ये मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि जो उसकी ब्रेड है बाहर वो चिकन से बनी हुई है, तो ये मेरे लिए काफी हैवी हो गया। तो हम जो जो खाना खा चुके हैं हम उसको खाली कर रहे हैं, ठीक है? खाली कर चुके हैं। ये हमारा चूरोस था जो हम स्टार्टिंग में खाए थे, इसको भाई साहब खा लो। आओ ये देखो दोस्तों, अभी ये देखो, ये देखो, ये है क्रिस्पी पनीर बरीटो पनीर। मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो हमारे पास पहले था बरीटो। ये खोल 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 खोल, चावल निकले। चावल तो है, बड़ी पनीर भी है। एलपीनो। दिस इज कॉल्ड चीजी गॉर्डिटा। अबे यार ये इन्होंने फिर वही दे दिया, चिकन विंग। ये अभी खाया मैंने, आई एम श्योर इसका टेस्ट सेम होगा। सेम टेस्ट, और इसका बरीटो का भी सेम होगा। वाह, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था ये। सेम। ये यूजुअली बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, मैं तो पूरे फिल हो चुका हूँ, तो इसको हम थोड़ा और नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। yes. और मेरा तो पेट है वो 173% भर चुका है। तो दिस इज कॉल्ड नेकेड बर्रितो बोल। अब हम इसको खोलेंगे। चलो दोस्तों, मेरा तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं थोड़ी देर चिल करूँगा। वो ये बरीटो ही है बस। टॉर्टिला जो हमारा कवर है, क्या बोलते हैं उसको, रैप। हाँ, उसमें रैप नहीं है, ये बस एक बोल में दे दिया है। बाकी ब्रेड है वो नहीं है, उसका जो फिलिंग है वो सारा इसके अंदर। अच्छा देखो, ये है तंदूरी चिकन, ये है वेज। अरे यार दोबारा वेज डिलाइट आ गया, फिर से कोफ्ता आ गया, रोस्टेड चिकन भी आ गया दोबारा। क्या खत्म क्यों नहीं हो रहा, चीज़ें बढ़ कैसे रही है। फास्टेस्ट रिव्यू देखा तुमने? नहीं। गाइस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस स्टफिंग अलग है। विवेक जो भी ओपिनियन दे रहा है प्लीज उसको मत सुनिए। ये बात समझिए कि ये लड़का, ये मासूम लड़का 28-30 डिश खा चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट इधर से उधर, उधर से इधर करके इसको दे दिया है। टेस्ट ही बहुत है। मैं इसको लाइव में पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, आज मैं भी उतना पसंद नहीं कर पा रहा हूँ। आज के बाद जिंदगी में मैं सबवे नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें पता है ना। ये जो मैं खा रहा हूँ ये है वेज शम्मी कबाब। इसको खाया और मजा आ गया। आया क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा ड्राई है, मुझे इसलिए वेज सीख कबाब और वेज शम्मी कबाब दोनों नहीं पसंद है। बट इसको तो जूसी कर सकता है। कैसे? इसको खा के हाँ। एक बाइट लेना। ये भी सेम है, अंदर का मटेरियल एकदम सेम है, इसमें भी कोई उतना डिफरेंट टेस्ट नहीं है क्योंकि इसका पिछले वाला मैंने खाया था। अब मैं मेरा लास्ट रैप, इट्स कॉल्ड नॉन वेज BMT। कहानी का सार ये है, कभी भी लाइफ में समझ में ना रहा हो कि सबवे से क्या ऑर्डर करना चाहिए तो तुम्हें लेना चाहिए, चाहे वो रैप हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे वो सैलेड हो, गो फॉर BMT। थैंक्स प्रोफेसर चौहान। यस, यू हैव गिवन अस ग्रेट इनसाइट्स। बैट टू आशीर्वाद लो। हमारे पास दो डिफरेंट ड्रिंक्स हैं फ्रॉम टाको बेल, हम दोनों को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। लाइफ में मैंने बहुत राइट काम किए हैं, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा राइट ही काम करने चाहिए, तो मैं राइट पे आता हूँ। जो तू मांगे वो मैंने ये क्या होता है भाई? दिस इज कुकी क्रम्बल एंड दैट इज मैंगो शेक। ओ भाई वेरी नाइस, चीयर्स। नहीं Cheers. Without eye contact. Without eye contact. देखना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं, मुझे शक्ल ही नहीं देखनी। Cheers. Okay. चाय कैसी है भाई साहब? भाई साहब मजा आ गया, कड़क है एकदम, मीठा तो दबा के डाला हुआ है, इतना मीठा है ना। एक फैन देना। This is cinnamon twist. But cinnamon तो मसाला होता है ना। With a twist, a twist. But cinnamon तो मसाला होता है ना, वो कैसे मीठा हो सकता है? कैसे डेजर्ट में आ सकता है? That is for you to रिसर्च व्हेन यू गो बैक होम। बट इसके ऊपर भी शुगर का कोटिंग है और ये मैंने लास्ट के लिए बचा हुआ था क्योंकि क्रंची चीज मुझे बहुत पसंद है। जस्ट लाइक माय ग्रेट पर्सनालिटी। अपेरेंटली नॉट। आई थिंक अब हमारा हो गया सब कुछ। इसकी बेस्ट बात ये है कि अभी भी क्रंची है। फाइनली सारा खाना हमारा खत्म हो चुका है। हमारी टुवर्ड्स द एंड थोड़ी एनर्जी ड्रॉप मार गई थी क्योंकि हमने इतना सारा कैलोरी इनटेक कर लिया है और यूजुअली ऐसा हो जाता है। एक सेकंड रुक जा। थोड़ी कैलोरी निकल गई है। मुझे पर्सनली आई विल स्टिल गो विद टाको बेल इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। जैसे मीठे में वी हैड चूरोस, वी हैड दिस सिनेमन ट्विस्ट, उसके बाद हमारे पास शेक्स इतने डिफरेंट थे, उसके बाद हमारे पास कैसीडिया था, हमारा उसी वाला क्या बरीटो था, हमारे पास। तेरे को क्या लगा अगर इनको 5000 रुपए स्पेंड करने हैं तो किधर करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो मेरे हिसाब से तो भाई टाको बेल जाओ, पैसा वसूल भी है, अच्छा खासा खाना भी आ जाएगा, वैरायटी भी मिल जाएगी और दोस्त तुम्हारे खुश हो जाएंगे। हमें बहुत मजा आया इस एक्सपीरियंस में। अगर आपको भी उतना ही मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि अगली बार हम 5000 का क्या क्या खाएं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करें। बाकी सब्सक्राइब करो किसे हमारे यूट्यूब चैनल को। ओके टेस्टेड यार, टाको बेल का बेल बजा दिया हमने भाई, तुम हमारा घंटा तो बजा दो। ओके टेस्टेड का घंटा प्लीज बजा दो।